हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम फूड एंड केयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देख सकते हो आप कितना सॉफ्ट फ्लफी स्पॉन्जी चॉकलेट केक बना है। तो आज मैं रश्मि बेसिक चॉकलेट केक कढ़ाई में बनाने के आसान तरीका दिखाऊंगी। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करें। सुपर फ्लफी केक बनाने के लिए मैं पहले बटर मिल्क रेडी कर लेती हूँ। यहाँ मैंने 100 ml हल्का गरम दूध लिया है, नॉर्मल गाय का दूध है। अब इसमें एक चम्मच विनेगर मिला के 10 मिनट के लिए रख दूंगी। बटर मिल्क इतने में रेडी हो जाएगा। विनेगर के बदले में आप इसमें नींबू के रस डाल सकते हो, आप छाछ भी इसमें डाल सकते हो। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान लेंगे। मैं मैदा ले रही हूँ, 1.5 कप मैदा लूंगी टोटल। 150 ग्राम के कप से 1.5 कप मतलब 225 ग्राम मैदा। अब इसमें 2 बड़ा चम्मच कोकोआ पाउडर लेंगे। बेकिंग पाउडर लेंगे 1 बड़ा चम्मच। चम्मच को ऊंचा ऊंचा करके मत लेना। अब 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा लेंगे। आप बेकिंग सोडा के बदले 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर भी ले सकते हो। छान लेंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। 2 मीडियम साइज के अंडे ले रही हूँ। अब ये 1 कप शक्कर पाउडर बना लेंगे। मिक्सी में अच्छे से पीस लूंगी। मैंने 150 ग्राम शक्कर लिया है, आप जरूरत अनुसार कम ज्यादा ले सकते हो। शक्कर और अंडे को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये देखिए कैसे सफेद हो गया है। अब साथ में 100 ml रिफाइन ऑयल मिलाएंगे, मतलब कप के 3 भाग का 2 भाग तेल मिलाएंगे। तेल को भी बहुत अच्छे से मिक्स होने तक मिक्स करेंगे। अब 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस डाल देंगे। ये सिर्फ खुशबू के लिए है, क्योंकि हमने अंडा यूज करा है तो मैं इसमें थोड़ा सा वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। अब धीरे धीरे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इस मिश्रण में थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएंगे। लम्स नहीं बनने देना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और ज़्यादा जोर जोर से मिक्स नहीं करना है, बस कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। देखिए मिक्स कर ली है मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। अब ये जो बटर मिल्क हमने शुरू में बनाकर रखे थे ये डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिलाते जाएंगे। तो बैटर के कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, 1/2 कप बटर मिल्क लगा है इस बैटर में, मतलब करीबन 75 ml बटर मिल्क लगा है। अब मोल्ड को रेडी कर लेंगे। बिना बटर पेपर के बनाऊंगी मैं आज, तो पहले अच्छे से ऑयल से इस मोल्ड को ग्रीस करेंगे। आप बटर या फिर घी से भी ग्रीस कर सकते हो। अब 2 चम्मच मैदा डाल के साइड से बिल्कुल ऊपर तक अच्छे से मैदा लगाएंगे। एक्स्ट्रा मैदा जो बच जाएगा वो निकाल लेंगे प्लेट पर। तो लीजिए, मोल्ड भी बिना बटर पेपर के रेडी है। अब इस बैटर को निकाल लेंगे मोल्ड में। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, कलर भी कितना सुंदर लग रहा है। दो से तीन बार नीचे टैप करेंगे ताकि बैटर अच्छे से सेट हो जाए। जल्द इसे कढ़ाई को बेकिंग के लिए रेडी कर लेंगे। कढ़ाई के अंदर स्टैंड लगा के नमक डाल देंगे, आप रेत भी डाल सकते हो। ढककर 10 मिनट लो फ्लेम पर गरम करेंगे कढ़ाई को। इस छेद के अंदर एल्यूमिनियम पेपर डाल देंगे, आप आटे के लोई से भी इसे बंद कर सकते हो।
10 मिनट हो गया, कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अब 30 से 35 मिनट तक लो फ्लेम पर केक को हम बेक कर लेंगे। ओवन का टाइमिंग होगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट। ड्रीम फूड एंड केयर चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दी गई बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे हर नए वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। लीजिए, 32 मिनट हो चुका है, केक कितना फूल गया है देख सकते हो, कितना सुंदर कलर आया है। चाकू से पहले साइड को अलग करेंगे। एक एडवाइस देना चाहूंगी, केक पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद ही आप इसे निकालना। कितना प्यारा चॉकलेट केक बना है आप देख सकते हो, ये केक उतना ही टेस्टी बना है देख के पता ही चल रहा होगा। ये कितना स्पॉन्जी और फ्लफी बनी है आप देखिए। तो बेसिक चॉकलेट केक ऐसे आसानी से बना लीजिए और केक के ऊपर आप अपने श्रद्धानुसार डेकोरेशन कर सकते हो। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।